हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 8 का जो चैप्टर चल रहा था फैक्टराइजेशन, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 14.3 की। इस एक्सरसाइज के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे वो सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है सॉल्व 28x^4 डिवाइड का साइन है 56x। तो पहले इसको कैसे लिखोगे, 28x^4 कितनी 4 है और डिवाइड में कितना हमारे पास 56x है। अब इसमें करना क्या है, जो टर्म कट होती है उसको क्या करना है, कट करना है, जो आंसर रह गया वो क्या होगा हमारा आंसर। तो 28 की टेबल में 56 है वो कितने पे आता है हमारे पास 2 पे, और x से एक x खत्म हो जाएगा तो कितनी रह जाएगी x^3 कितनी रहेगी हमारे पास 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, x^3 अपॉन में कितना आएगा 2। तो ये क्या रहेगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना है 5x² दे रखा है, माइनस का 6x है और डिवाइड कितने से 3x से। तो इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, 5x² माइनस 6x अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 3x। अब ये चीज ध्यान में रखना कि नीचे जो टर्म होगी वो लगभग कट कैंसिल हो जाएगी या उसमें से एक पार्ट तो कैंसिल हो गई, तो ऊपर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 5, इधर 6 है, तो ये तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो आएगा नहीं कॉमन। तो हमारे पास कौन सा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो क्या चीज कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 5x माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 6 अपॉन में कितना आएगा 3x। तो x से x क्या हो गया कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 6 अपॉन 3, ये क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y^8 दे रखा है, माइनस 4y^6 है और 5y^4 कितनी है 4 है और डिवाइड का साइन y^4 कितनी है 4। तो अब इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास y^4 कितनी 4। अब इस ऊपर वाले टर्म में से देखना है इस पूरी एक्सप्रेशन में से कि क्या चीज कॉमन आ रही है, तो इसमें कॉमन क्या रहा है, नीचे वाला पार्ट ही लगभग कॉमन आएगा, मोस्टली क्या रहेगा डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो क्या आएगा कॉमन। तो ऊपर देखो y^4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे कितनी है 8, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आ नहीं सकता क्योंकि 3 है 4 है, इधर कितना है 5, तो कितना कॉमन आ जाएगा y^4। ऊपर क्या रहेगा 3 और यहाँ पे कितना 8 थी, तो 4 हमने कॉमन निकाली तो कितनी रहेगी 4 माइनस 4 y^4 कितनी रहेगी 2 और ये y^4 कॉमन नहीं आ गया तो कितना रहेगा ओनली 5 और नीचे कितना है y^4, ये क्या हो जाएगा कैंसल और जो ये बचा है वो हमारे पास क्या है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्या दे रखा है, सॉल्व 10y + 21 है, वो ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड के अंदर है 5 2y + 7। तो कैसे करेंगे, 10y है हमारे पास, इधर कितना है 6y + 21 है और डिवाइड में हमारे पास है 5 और 2y + 7। अब देखो यहाँ पे लगभग 2y + 7 है, वो क्या आएगा हमारे पास है कॉमन पार्ट रहेगा इसके अंदर, तो हमारे पास कितना है 10y तो है ही है, इसमें से क्या कॉमन आंसर है, y तो आएगा ही नहीं क्योंकि y एक में है दूसरे टर्म के अंदर नहीं है। तो कितना, अब 6 है इधर कितना है 21, ये कितने टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, तो 3 कॉमन आएगा तो कितना आएगा 2y + 7 रह गया और नीचे हमारे पास कितना है 5 2y + 7, तो 2y + 7 से 2y + 7 क्या हो जाएगा कैंसल, 5 कैंसिल हो रहा है तो 5 से ये कैंसिल करेंगे कितने पे 2 पे, तो हमारे पास आंसर है वो कितना रहेगा हमारे पास इसका 2 3 6 और y, ये क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या दे रखा है, y² + 7y + 10 दे रखा है और डिवाइड किससे करना है y + 5 से। जो हमने 14.1 और 14.2 की थी उसका भी यूज इस एक्सरसाइज के अंदर हो रहा है। तो अब इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करना है, तो इसका रूल बताया था कि हमें कोई दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, कोई भी दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो इसकी मल्टीप्लाई, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 10 और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, मतलब उन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करें तो क्या आना चाहिए प्लस का 7 और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना मिलना चाहिए 10। तो हमने कौन से नंबर चूज किए, हमने 5 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई की मैंने कितना आया 10 और इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया हमारे पास 7। तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म है वो सेम टू सेम आएगी y² और लास्ट टर्म है वो भी क्या आएगी हमारे पास सेम टू सेम,
और इन के बीच में हमने 7 को सेपरेट किससे कर दिया, 5 और 2 से। तो क्या करोगे, 5 के साथ भी y वेरिएबल लगेगा और 2 के साथ भी y वेरिएबल लगेगा, और इस पूरे को डिवाइड किससे करना है हमें, y प्लस 5 से, y प्लस 5 से। तो हमारे पास इन दोनों में से कॉमन पार्ट है वो कितना आया, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, और इस यहाँ पे क्या रहेगा, y प्लस 5, यहाँ से क्या रहेगा, y प्लस 5 रहेगा, अपॉन में क्या चल रहा है, y प्लस 5 चल रहा है। ओके, उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 5, और इधर क्या रहेगा हमारे पास, y प्लस 2, क्योंकि y इधर से रह गया प्लस का 2 ये रह गया, और डिवाइड में कितना है, y प्लस 5। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट मोस्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो कितना आंसर आएगा, y प्लस 2। ओके, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 5pq(p²-q²) डिवाइड का साइन 2pp+q। अब हमने फॉर्मूला किया था p²-q² का, क्या होता है, 5pq तो सेम टू सेम लिखेंगे, p²-q² का फॉर्मूला p-q एंड p+q, और इन दोनों को डिवाइड किससे करना है हमें, 2p p+q से, p+q से करेंगे, तो p+q से p+q क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद और पार्ट कौन सा कैंसिल हो रहा है, p भी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर जो बच गया वो हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो क्या रहा है हमारे पास, 5q, और इधर क्या रह जाएगा, p-q, और अपॉन में कितना है हमारे पास, 2, तो ये क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, तो ये एक्सरसाइज थी 14.3 जो हमारी कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो इजीली हो जाएंगे आपसे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।